देखिए इस तरह, ठीक है, मैं समझ गई। देखिए समझ गए, ये जो बीच का गैप होता है ना, बीच का गैप, इसमें एक पैटर्न ऐसे करके आ जाएगा। चैनल पे निश टीवी, मैं हूँ टोटो और ये है मिस रोही। वालेकुम सलाम टोटो, कैसी हो? बिल्कुल आज तो ब्लैक रेड और बहुत प्यारा सा लग रहा है। ये फ्रॉक पहनी है, बहुत अच्छी सी है ना, बहुत अच्छी लग रही है, और पोनीज भी अच्छी लग रही है ना। गोल गोल रिंग है, अब इसमें मैं झूला छूटूंगी। ओहो, फिर तो लटक जाएगी। अच्छा मिस, जो बनाएंगी वो नहीं बताएंगी? बिल्कुल नहीं बताना, क्योंकि सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट्स देने हैं कि आपको हमारा शो कैसा लगता है और आप क्या सीखना चाहते हैं और क्या हम जो सिखा रहे हैं आपको, जो चीज़ें वो आपको कैसी लगती हैं, और सबसे ज़्यादा बता दो। चलो हम शो शुरू करते हैं। बिल्कुल मैं आज पेपर फ्लावर से उसकी वॉल हैंगिंग के साथ आपको पेपर फ्लावर बनाना बता रही हूँ, यानी पेपर फ्लावर वॉल हैंगिंग, ठीक है? टोटो को बहुत पसंद है ना फ्लावर्स, तो मैंने सोचा अब थोड़े से फ्लावर्स भी बनाना बताऊँ, तो आज पहला ये बनाना बताते हैं। आज टोटो बहुत मस्ती में है। अच्छा देखिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें मुझे ये पिंक कलर अच्छा लग रहा था, ठीक है, उसके अलावा येलो है, ग्रीन है, आप कंप्यूटर पेपर ले लीजिए, जो आपको कलर्स पसंद हैं आप वो यूज़ कर लीजिए, ठीक है। ग्रीन कलर लाजमी चाहिए क्योंकि हमें लीव्स बनाने हैं। अच्छा, लेकिन इस वक्त जो मैं बना रही हूँ वो येलो और रेड से बना रही हूँ, ठीक। अच्छा, इसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ। ये साइज़ आप लें, अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो भी इससे बड़ा ले लीजिए, लेकिन मुझे ये साइज़ चाहिए तो मैंने ले लिया। इसको फोल्ड करना है आपको, एक फोल्ड और दो, ठीक। ये दो फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे जिस भी शेप में हमें लीव पेटल चाहिए हम वो ड्रॉ कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ निकालिए, इसमें होगा ये, देखिए और भी ये देखिए, ये मैं करके भी बता देती हूँ। देखिए एक ये है इसी तरह, और सिंपल ठीक, ये आपको ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद ये देखिए दिखाइए, ये हमें कटिंग कर लेनी है। अब शेप आपका जो दिल चाह रहा है आप वो कर लें। मुझे एक तो येलो चाहिए और रेड चाहिए, दोनों पे मैंने यही इसी तरह किया। देखिए इस तरह पेपर था, इसको फोल्ड किया और ड्रॉ करने के बाद, ट्रेस करने के बाद मैं अब इसकी कटिंग करूँगी। उछल गया, अच्छा ये रख दीजिए, ये नीचे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए जो मैंने ड्रॉ किया था उससे, ये देखिए ठीक, देखो टोटो ये शेप हो गई, ये देखिए बन गया। लेकिन अभी हमने इस पर काम करना है, क्या करना है? ब्रश कटिंग। वाह जबरदस्त टोटो, ब्रश बारीक बारीक इस तरह कट्स लगाते जाना, ज्यादा नहीं, तोले तोले। ये देखिए ये हो गया इस तरह, और अब खोलेंगे इसको हल्के हाथ से, क्योंकि ये चिपक जाता। ये हमारा एक हिस्सा तैयार हो गया, बटरफ्लाई लग रही है। लेकिन अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये मैं कटिंग करके लाई हूँ, बाकी क्योंकि यहाँ एक आपको करके दिखा दिया। खोलिए और बिल्कुल
प्यार से खोलो। प्यार से, क्योंकि ये कटिंग होती है तो उससे की वजह से ये चिपक रहा होता है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब ये देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ ग्लू लगाया, सेंटर में ग्लू लगाए और ये इससे इस तरह, ठीक है, मैं समझ गई। देखिए, समझ गई, ये जो बीच का गैप होता है ना, बीच का गैप, इसमें एक पैटर्न ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है? अब दोबारा हम करेंगे बीच का गैप, बीच का गैप, लेकिन उससे पहले हमने एक चीज और करनी है, जब हमने और नहीं करना है टोटो की बात गलत हो गई, इसका इसके कान बनाओ, ये हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले हम इसे अरेंज कर लेते हैं, ठीक है? ये मैं इसके नीचे लगाती हूँ, अब फिर इसी तरह क्रॉस में, देखा टोटो आपने, टोटो की उम, ये देखिए वायर बन रही है, देखिए, ठीक है, ठीक है, अच्छा, ये अलग बनेगी, हाँ ये अलग है, एक मैं ये बनाना बता देती हूँ, एक ये बता देती हूँ, और टोटो आप मुझे वो दे दें जो हम बना के, हाँ बना कर जो लाए हैं, ठीक है, आप पहले इसको बना लें, ये देखिए ये भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा, ये पता है मेरे ड्रेस में जो फ्लावर है ना, वैसा बन रहा है, हाँ बिल्कुल, अब ये इस तरह हो गया, अब हाँ मुझे वो दें ताकि मैं उसी हिसाब से जो वो बने हैं उन्हीं के तरह से इसको भी बना दूं, ये देखिए ये फ्लावर्स मैंने आपको बनाने बताए थे, शायद आपको याद हो, आप टोटो याद करवा दो, ये वाले का गे? हाँ ये वाले, ये वाले फ्लावर्स है ना छोटे वाले, ये ना आप मिश और टोटो का फोल्डर है प्लेलिस्ट पे, तो मिश के प्रीवियस प्रोग्राम जितने भी है ना उसमें आप जाइएगा, प्लेलिस्ट पे ऊपर लिखा हुआ है, तो वहाँ जाके आपको क्लिक करना है प्लेलिस्ट, वहाँ पे सर्च कीजिएगा मिश और टोटो, उस फोल्डर में मिश के सारे प्रोग्राम है, बिल्कुल, अब देखिए मैंने हाथ से ही कर दिया, अगर आप सीजर से करना चाहें सीजर से भी कर सकते हैं, लेकिन ये हाथ से भी हो जाएगा, ये देखिए ये जो अभी हमने बनाया था, ठीक, अब इसमें जो है ये फ्लावर, टोटो आपको याद है ना हमने बनाए थे, अब ये और ये इन फ्लावर से बहुत सारी चीजें बनेंगी, इसलिए आप ये बना कर रख लीजिए, मैं आपको सिखाऊंगी, ये देखिए, ठीक है, इसको जरा अभी पेस्ट होने दीजिए, अब ये गीला है, एक और बनाया था हमने येलो कलर में, वो कहाँ गया, हाँ इसको भी हम अरेंज करेंगे ना, ताकि अगर हमें जरूरत पड़े, वैसे होगी नहीं, लेकिन देखिए सीजर के बगैर भी ये हो जाता है, हाँ, तो क्योंकि बच्चों को, इसलिए मैं इजी ये वे बता रही हूँ कि बाज बच्चों के हाथ पे सीजर लग भी सकती है, स्केल से भी कर सकते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा हमें टर्न करना, ये ठीक है, और इस पे हम लगाएंगे पिंक ही लगाएंगे, थोड़ा छोटा हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोने में ये चले इनकी, अभी देखिए, नहीं तो ये भी चल जाएगा, नहीं नहीं वो ठीक है, ये देखिए बहुत छोटा, ये टोटो जैसा छोटा, ये देखिए टोटो, देखो अभी इसे चिपकाते हैं इसको, ये भी बन गया, अच्छा हम चाहें तो ये स्टिक है, मैं आपको ये भी बता दूं, अभी तो हम वॉल हैंगिंग बना रहे हैं, तो अगर आप इसको वैसे बनाना चाहें तो फ्लोरल टेप जो है इस पर रैप करके और ये इसके साथ लगा सकते हैं, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगी दूसरे किसी फ्लावर्स में जो है आप बनाना, जब बताऊंगी तो आपको मैं सिखा दूंगी, अच्छा ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी अरेंजमेंट, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मैं बना के लाई हूँ, ये इस तरह का कार्ड आपको अक्सर किसी पैकिंग में या मिल जाता है, ठीक, ये कार्ड आप या कार्टन आता है घर में, सौदा आता है वो रख लें, उसके सर्कल काटें, ऊपर मैंने कार्ड शीट लगा दी है, वाइट कलर की लगाई है, आप चाहें तो जो भी आपको कलर पसंद हो वो लगा सकते हैं, ये सर्कल बना लिया, अब मैं इस पर क्या करूँगी,
ये एक लीव भी बनाना बता दूं, ग्रीन कलर का लीव मैंने काटा है। अब इसका तरीका देखिए, फैन बनाते ना मिसने सिखाया है, वो भी ना मिसो तोतों के फोल्डर में है। बिल्कुल, ये इस तरह करना है इसको, ये देखिए, ये देखो, ठीक है, ये बन गया। पंखा भी बना लो। वैसे मुझे गर्मी भी लग रही है तो पंखा ही सही है। चलो टोटो पंखा चलो। थैंक यू। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये सीजर इधर ही रख दीजिए। अब मुझे दीजिए ये लीव्स। सबसे पहले हमें लीव्स चाहिए। इसको हटाएं। यहाँ से हम लीव्स लगाना शुरू करेंगे। एक पत्ता लगा। अब दो पत्ता लगा। ये काउंटिंग करके आपको बताती जाएगी टोटो। नतीजा बता। ठीक है। पत्ता गिर गया, झड़ गया। हाँ, गिर गया, सही कह रही हूँ। दोनों तरीके हैं, यहाँ हम लीव्स पर भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। टुक 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 टुक। कभी पान खाया? पान मैंने खाया। खाया? पसंद है? नहीं, पसंद नहीं है। कभी 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 अच्छा लगता है। साल में एक बार मीठा मीठा होता है। मीठा मीठा पसंद है। टोटो आप ऐसा करो, अरेंज करते जाओ, फिर मैं लगाती जाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मतलब रखते जाओ हमारे, क्योंकि मैंने कहा टोटो फारिक बैठेगी ना तो शरारते ही करती रहेगी। मिश ने मुझे काम दिया। ताकि हमें पता चले कि ये लगता। लगा दो मिश। लगा दो, क्योंकि हमारे पास हम दो और एक और लग जाएगा। ये है ना मिश? ये हाँ, अच्छा 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 टोटो। चलो इसको भी लगा देते हैं, पहले इसको जरा चिपकाते हैं। देखते हैं। इसको तो ऐसा खिसका दो। खिसका देते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। ये तो अभी हमारे हाथ में है ना अरेंज में, इसीलिए ताकि गैप ना हो। अगर एक और भी लीव लग जाएगा तो लीव्स हमने काफी सारे बनाए हुए हैं। बस मेरे साथ कुछ पुछ हो जाएगा। लेकिन कुछ पुछ ही करना है इसको। हो गया वैसे कुछ पुछ करना है। कुछ पुछ नहीं, बस इतने, इससे ज्यादा नहीं, कुछ पुछ करना बस। अब क्या करेंगे टोटो, ये बताओ मुझे क्या करेंगे अब? ओ दो येलो, ये वाला, ये फिर इसके बाद ये देखो। पहले मैं हमेशा की तरह कह रही हूँ, पहले रख कर देखिए। ये बीच में रखेंगे, ये इधर रखेंगे, नहीं पिंक ये वाला दीजिए, ये वाला, ये इस तरह अरेंजमेंट होगी। ठीक, अच्छा, ये हमारी, ये इधर रखा जाएगा, इधर रखा जाएगा, ये इधर रखा जाएगा। ठीक, ये हमारा, ये जो है, ये दोनों घर में रखा जाएगा। ये दोनों घर में, हम चाहें तो यहीं पे हम सर्कल भी बना सकते हैं। इसको यूं कर लेते हैं, हम इसको यूं बनाते हैं। सर्कल बनाएंगे तो फिर एक फूल कम करना पड़ेगा। देखिए हो जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे करके, नहीं नहीं ऐसे नहीं, इसको इसी तरह रहने दो। हाँ, ये सिर्फ इस तरह। ठीक है, हम जब अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि इतना तो गैप अगर नजर भी आ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, बनाने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये क्या है। हाँ, वो छोटे फ्लावर्स, फिर एक और, उसके बाद लेकिन इसकी खूबसूरती व्हाइट में नहीं कर, एक काम करते हैं, इसको हम एक, आप फिक्र नहीं कीजिए, ग्रीन कलर था ना, हमने कार्ड शीट रखी थी, ये दे दो या वाइट दे दो, वाइट दे दो। ठीक है, इसका सर्कल हम एक काट के लगा देते हैं तो ऊपर, लेकिन वाइट ही फिर नहीं आ रहा ना, नहीं तो ग्रीन भी लगा सकते हैं। तो मुझे दो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, क्योंकि टोटो को मैं चाहती हूँ टोटो जो है वो सेटिस्फाई रहे, तो टोटो को पता चले कि अगर ऐसा कभी हो तो इस तरह भी कर सकते हैं। ये लो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इस तरह भी अगर हम चाहे तो इसको कवर भी कर सकते हैं कि वाइट कलर अगर आप चाहते हैं कि नजर ना आए। मीश ना झटपट काम कर ले, ये ले। मैं कहती मीश ऐसा कर ले, मीश कहती हाँ हाँ बिल्कुल, कोई मसला नहीं है। ये देखिए बाकी देखिए थोड़ा सा ये हो गया, और भी थोड़ा सा बड़ा अगर हम काट लेते तो वो भी सही था, लेकिन अब अरेंजमेंट जब करने लगेंगे, ये देखिए ये हमने एक सर्कल लगा लिया। अगर थोड़ा थोड़ा आ भी रहा है ना वही नजर, तो वो बुरा वो नहीं लग रहा। बुरा नहीं लग रहा क्योंकि शेड आ रहा है ना कि हमने अच्छा उसमें अरेंज किया, अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा देखिए मिश रुकिए, मैं आपका काम करके देती हूं। बिल्कुल जल्दी जल्दी करके दोगी मुझे? ये ले मिश। नहीं पहले इस पे लगाना था ताकि ये सीधी अरेंजमेंट ऐसे हो। ये ले मिश, थोड़ा ज्यादा ही लगाना। ठीक है अब आप मुझे बता दें कौन सा फूल। अब ये पिंक इधर वाली हम अरेंजमेंट करते हैं ना। फिर इस पे लगा दो। देखिए टोटो जो है वो काफ़ी मेरी हेल्प करवा देती है, जिसकी वजह से मेरा काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है। फिर ये है कि मैं आपको जल्दी जल्दी सिखा देती हूँ, ठीक है? मैं खड़ी रहती हूँ ना, मैं बोलती रहती हूँ। थोड़ा सा काम कर लूँ बच्चों की तरह। हाँ आप भी काम कीजिए, टोटो से सीखिए, हेल्प करो, हेल्प करो दूसरों की। ये ले बिल्कुल, ये वाला। बिल्कुल ये वाला। देखिए इतनी प्यारी सी कलरफुल सी हमारी वॉल हैंगिंग तैयार हो रही है, हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। टोटो देखो बिल्कुल हर एक सर्कल बन गया और ये अच्छा भी लग रहा है। उम्मीद है कि अच्छा, अगर बैक पे हमने कुछ नहीं लगाया तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप लगाना चाहते हैं तो बैक तो नज़र ही नहीं आएगी ना, हम वॉल हैंगिंग इस पे है ना, तो आप यहाँ पर एक हॉल करेंगे और लगा देंगे, ठीक है? किसी भी आप शेप में जो है अपनी वॉल पे रखिए, और इसे टोटो आपको दिखा देती हैं। इतने अच्छे फ्लावर से वॉल हैंगिंग बता दी, तो अब आप इसको ट्राई कीजिएगा। और ठीक है इसको जरा सीधा करो, ऐसे कर दो, ऐसे देखो, यूं सही लग रहा है ना? बिल्कुल सही लग रहा है। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आप टोटो को और मिश रोही को इजाजत दें। हम